हेलो एवरीवन। सो जैसे आप सबको पता है कि वर्जिन राइड्स इज़ अ न्यू वेंचर और आपकी सपोर्ट के साथ, प्यार के साथ कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ हर बार। सबसे इम्पोर्टेंट बात यार कि मेरे को कभी नहीं लगा था कि वर्जिन राइड्स के थ्रू लास्ट 7-8 साल से जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं या जानते हैं, या जो लोग मेरी, जब मैं छोटा था इको स्पोर्ट चलाता था या उसके बाद भी जितने, जो भी मेरी लाइफ की जर्नी रही है वो सारा कब से देख रहे हैं, उनसे मेरे को बात करने का मौका मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यार। सो अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दीप्ति राठौर फ्रॉम बॉम्बे, उसका उनका ब्रदर रोहन यूज टू वॉच माई वीडियोज़ एंड फाइनली तो दीप्ति रीच आउट टू मी यार कि मैंने कार लेनी है, और रोहन ने बताया यार कि तुम्हें, तुमसे बात करनी चाहिए, तुम अच्छे हो इस चीज़ में। तो मैंने बोला यार कि आप बॉम्बे में जाओ, ट्राई करो कुछ डीलरशिप्स पे, आप बैठ के देखो एक बार, लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है इन गाड़ियों का। तो यहीं पर मैं भी, ये मेरा पहला स्टेप होता है किसी के साथ भी कि उनको गाड़ियाँ पहले अच्छे से समझाना कि कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा अच्छा मज़ा देगी। आज जिस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं उस, और वो क्यों खास है, क्यों स्पेशल है, और क्यों एक्चुअली आज की डेट में 15 से 20 लाख के बजट में सबसे अच्छी वैल्यू फॉर मनी कार है, वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा इन दिस वीडियो। सो कम ऑन इन एंड लेट मी शो यू द कार दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये है दीप्ति की कार, कल ये डिलीवर होगी। दिस इज BMW X1 2017 वेरिएंट, जस्ट एज यू नो 35,000 ड्रिवन। सो लुक्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव, बट फिर भी एक शेप और डिज़ाइन से गाड़ी की फ्यूचरिस्टिक होने का पता लगता है। तो BMW की सबसे फेमस बात क्या है, इनकी जो गोल लाइट हैं, रिंग लाइट्स इनको बोलते हैं, सो जस्ट हाउ दे गेट लिट अप। सो ये DRL जो है ये ओवर द टाइम इवॉल्व होती रही, वाइट लाइट्स होती रही। 2011, 12, 13 से जब गाड़ियाँ आने लगी, F10 आती थी, BMW 5 सीरीज, X3 आती थी, तो वो काफ़ी माचो थी, देवर मोर स्ट्रेट लाइन, मोर बॉक्सी डिज़ाइंस। बट इवेंचुअली BMW अपने अंदर स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स लेने आने लग गया और स्लीक लाइंस लेके आने लग गया। तो X1 को आप देख के भी अगर देखोगे, यहाँ पर जैसे इसका सिल्वर ट्रिम है या ग्रिल है, ग्रिल के ऊपर ये ऐसे गार्निशिंग है, तो पुरानी BMW में वो सब नहीं है। तो इसको देख के आपको ये लगेगा यार कि मैं एक मॉडर्न कार चला रहा हूँ। और अनदर फाइनेंशियली जो गुड थिंग है कि जब आप एक 2016-17 की X1 ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 2021-22-23 की लोगों ने 45-50 लाख की गाड़ियाँ ली है, तो आप जो कार चला रहे हो वो किसी ने 45 लाख की भी एग्जैक्टली सेम कार ली तो सड़क पे चला रहा है, तो कभी किसी को पता नहीं लगेगा कि आपकी यस्टर ईयर की कार है या पुरानी कार है या आपने सस्ती खरीदी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। एंड रीज़न वाई यार X1 इतनी डिमांड में रहती है, बिकॉज सबको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कॉम्पैक्ट भी हो बट उसमें कमी ना हो, जो स्पेशियस भी हो बट वो ज़्यादा बड़ी ना हो, जो बहुत रिलायबल भी हो, लग्जूरियस भी हो बट पार्क करने को आसान हो और उसमें कैपेबिलिटी भी सारी हो। तो द रीज़न मिड साइज SUVs इसलिए इतनी हॉट स्पेस है, क्रेटा हो गई, सेल्टोस हो गई, देयर इज द रीज़न वो इतनी बिकती है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म फैक्टर। ये फॉर्म फैक्टर इज लव फॉर everyone. पीपल लव Q5, पीपल लव X1, X3s, पीपल लव दीज फॉर्म फैक्टर्स बिकॉज दे आर ह्यूज ऑन स्पेस, जस्ट लाइक दिस आप देख सकते हो, स्पेस की कोई कमी नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा यहाँ पे आपको एरिया लग रहा होगा बट वो उसके लिए X3, X5 वगैरह बनी है, बट अदर देन दैट इट्स फुली ओपन, कोई स्पेश, मतलब आपको बहुत स्पेशियस फील होता है, पैनोरामिक सनरूफ है, इसमें एम्बियंट लाइटिंग है सबसे बड़ी बात, रियर में और आगे यहाँ पर कलर्ड एम्बियंट लाइटिंग है जो आपको बहुत फील कराती है यार कि मैं एक न्यू एज कार में बैठी हूँ या बैठा हूँ, वॉट एवर। तो दिस इज़ वन कार वेयर विच यू कैन टेक इट एनी वेयर इन सिटीज़, इन हाईवे ट्रिप्स, लॉन्ग ड्राइव्स एंड देन टेक everyone along with you. दैट्स द रीज़न वाई लोगों को ये वाली शेप की SUVs बहुत पसंद है, और क्योंकि SUVs में एक मेंटल पीस रहती है, आप ऊँचे बैठते हो, दूर तक दिखता है, एंड देन ऑल दीज SUVs जो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 7-सीटर नहीं है, बिकॉज जितनी बड़ी SUV होगी अगर 7-सीटर लोगे आप तो उसमें बॉडी रोल आ जाएगा। सो देयर इज़ अ रीज़न वाई दिस फॉर्म फैक्टर जहाँ पे 5-सीटर SUVs आर द परफेक्ट कार्स फॉर एवरीवन, द रीज़न आई यूज़ टू लव इको स्पोर्ट राइड, कि आप ड्राइव भी अच्छा कर रहे हो, थोड़ी ब्रॉड भी है, बैठी हुई भी है, ज़्यादा खड़ी भी नहीं है, ज़्यादा ऊंची भी नहीं है, बिकॉज देन बॉडी रोल है, तो चलाने में भी देर कंफर्टेबल, चाहे लॉन्ग स्पीड, चाहे हाई स्पीड पे जाओ, चाहे आप ख़राब सड़कों पर जाओ, चाहे आप कहीं पहाड़ों में चले जाओ, तो दीज आर वन कार जिनको हम परफेक्ट कार बोल देते हैं। दिस इज़ द फॉर्म फैक्टर की स्पेशलिटी है। देन जस्ट सी द इंटीरियर इटसेल्फ, इट हैज़ द न्यूअर एज स्टेयरिंग, बिकॉज इससे पहले BMW के ओल्ड एज स्टेयरिंग आते थे, अगर आप कोई भी 2013-14-15 की BMW 5 सीरीज भी देखोगे उनके अलग स्टेयरिंग है। दिस इज़ द न्यूअर एज स्टेयरिंग, पेडल शिफ्टर्स न्यू है, इंटीरियर का सारा डैश न्यू है, द स्क्रीन दैट कम्स आउट दिस न्यू है, ये नो डाउट 3 सीरीज़ में आने लग गई थी 2010-11 से, बट इसका थोड़ा लेआउट मच बेटर है, इसमें डिजिटल स्क्रीन्स नहीं है, बट यू वॉन्ट फील कि यार कि इसमें कुछ भी पुराना लग रहा है, कुछ भी ओल्डर एज वाला लग रहा है। द गियर शिफ्ट वॉज डिफरेंट, इसके पहले गियर शिफ्ट इनका छोटा वाला आता था आई ड्राइव का, तो दिस इज़ अ लॉन्गर गियर शिफ्ट, आई ड्राइव भी है, यहीं से आप मैनेज कर सकते हो। द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि ये एक लग्जरी कार का नॉर्मल सा इकोसिस्टम है, लग्जरी कार्स में बहुत नॉर्मल सी बात है कि लोग प्रेफर करते हैं कि आपके कंट्रोल्स यहाँ पर हो, ऑडीज वगैरह में A4 हो या Q5 हो, सिर्फ टॉप मॉडल में यहाँ पर कंट्रोल्स दिए जाते हैं, बिकॉज नेचुरली योर हैंड्स आर लाइंग अराउंड हेयर और हेयर,
सो यहाँ से जब आप एक स्क्रीन कंट्रोल करते हो दैट्स रियली नेक्स्ट लेवल. दैट्स व्हाई आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द क्लाइंट जिनको टच स्क्रीन पसंद नहीं है, बट दीज आर वेरी इंट्यूटिव. आप यहीं से सारा अपना MMI और सॉरी आई ड्राइव यूज़ कर सकते हो, सारा आप कंट्रोल अपनी कार का देख सकते हो, एंड इट्स अ वेरी गुड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम. And then the gears, because gears are little longer, it's easier to use them. There are sport modes, eco pro modes on the dial, on the dash itself. Not like the newer age car, जैसे XUV700 में मैं बता रहा था कि आपको अचानक instantly sports mode चाहिए होता है because you are in a tough maneuver और अचानक आपको थोड़ी सी ज़्यादा power चाहिए. तो यहाँ पर आपको सिर्फ gear को या तो ऐसे करना है, आपका sport mode डल गया, या आप यहाँ से नीचे एक बटन प्रेस कर दो, उससे आपकी chassis, suspension, इसके electronic shockers होते हैं वो भी टाइट हो जाते हैं. तो वो टाइट हो जाते हैं, स्टेयरिंग हैवी हो जाता है और आप स्पोर्ट मोड में चले जाते हो. नहीं तो अगर आपको सिर्फ इंस्टेंट पावर इमीडिएटली चाहिए, आप गियर को अपना लेफ्ट करो, इमीडिएट स्पोर्ट्स मोड है और आपकी पावर डिलीवरी थोड़ी बेटर हो जाती है. बिकॉज नॉर्मली ये गाड़ियाँ ऐसी ट्यून है कि आपको अच्छी माइलेज दे, नॉर्मली आप जब तक ज़्यादा रेव नहीं करते ज़्यादा अच्छी पावर नहीं आती. सो यार ये स्टेयरिंग बहुत सेक्सी है, सबसे बड़ी बात. BMW की एक बात अच्छी है, इनका स्टेयरिंग पकड़ के बड़ा मज़ा आता है. और जिन जो इनके स्टेयरिंग्स की फील है वो यार आप वर्ड से समझा ही नहीं सकते. नो डाउट मैं जितना मर्जी अच्छा रिव्यूअर बन जाऊँ, कुछ चीज़ें जो आपको देख के समझनी पड़ेंगी या एक्सपीरियंस करके समझनी पड़ेंगी. इनका एक अलग से स्टेयरिंग फील है, मोटर असिस्टेड है नो डाउट, बट आपको कहीं ना कहीं टायर्स क्या फील कर रहे हैं वो बहुत फील होता है. मैं नहीं कहूँगा बहुत डायरेक्ट है, मैं नहीं कहूँगा बहुत प्रिसाइज है. कुछ स्टेयरिंग्स बेटर हैं जो मेरे को पसंद आते हैं, बट इनके अंदर एक पता नहीं आपको ये लगता है यार कि आप सड़क से बहुत कनेक्टेड हो. आपको गाड़ी का हर नट बोल्ट, हर जॉइंट, आपको पता नहीं कार की चेसी ज़्यादा अच्छी फील होती है इस स्टेयरिंग के थ्रू. मतलब आपकी गाड़ी जब खड्डों से निकल रही है या टर्न ले रही है, कुछ ले रही है, जो चेसी का रिस्पांस है वो BMW के स्टेयरिंग से बहुत अच्छा कम्युनिकेट होता है. ये BMW की खास बात है. ये काफ़ी लोगों को नर्विंग लगती है या अजीब सी लगती है, बट जिनको प्यार है उनको BMW से इसी बात से प्यार है. देन YX1, बिकॉज न्यू शेप कार तो न्यू चाबी, बिकॉज योर की गोज टू प्लेसेज वेर योर कार्स कैन नॉट, राइट? तो अगर आप कोई मीटिंग करने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, तो अगर आप चाबी रख सकते हो, आपकी गाड़ी तो पार्किंग लॉट में वो नहीं रख सकते, बट योर की स्पीक्स फॉर योर कार एट प्लेसेज वेयर यू आर नॉट देयर. सो दिस इज अ 2 लीटर इंजन. 90% डीजल्स जो हैं अपने इंडिया में, जर्मन में 2 लीटर डीजल में आते हैं. आपको ध्यान होगा कि अगर आप 2009, 10, 11, 12 की गाड़ियाँ देखो तो उनमें ऑडीज में भी 3 लीटर अलग, 2 लीटर अलग था. BMW में तो 520, 525, 530D. सो बाहर जर्मन में लोग पावर को लेकर बहुत कॉन्शियस, जर्मनी में या फॉरेन में लोग पावर को लेकर बहुत कॉन्शियस है, बिकॉज वहाँ पर बहुत बड़े एक्सप्रेस वेज हैं. उनको टाइम लगा समझने में इंडिया में कि जब उन्होंने गाड़ियाँ भेजी कि सारे माइलेज के हिसाब से सबसे अंडर पावर्ड कार ज़्यादा ले रहे हैं. तो 80-90% उनकी वो वाली गाड़ी बिकती थी जिसके अंदर कम पावर हो. सो इवेंचुअली जहाँ उनके बाहर वाली कंट्रीज में 12-12 इंजन ऑप्शन आते थे, यहाँ पर वो 3-4 भेजने शुरू कर रहे थे. उनको इवेंचुअली रिलाइज हो रहा यार कि यहाँ पे एक ही भेजो ज़्यादातर. तो 90% गाड़ियों में BMWs में डीजल इंजन में, एटलीस्ट जो लोअर स्पेक वाली हैं, उनके सबके अंदर एक कॉमन पेट्रोल इंजन और एक कॉमन डीजल इंजन आ रहा है. अब जाके वो टर्बो पेट्रोल वेरिएंट्स थोड़े अलग करने लगे हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑप्शंस, वो भी डीजल में एक नॉर्मल या पावरफुल होगा या पेट्रोल में एक नॉर्मल या पावरफुल होगा, बट ज़्यादातर सबसे कॉमन उनका 2 लीटर का डीजल इंजन ही है इन मर्सिडीज, इन BMW एंड इन ऑडी एज वेल. सो दिस एज अ 2 लीटर डीजल इंजन जो 3 सीरीज, 5 सीरीज, X1 सब में वही है. बट द डिफरेंस इज कि इसका गेयरबॉक्स क्यों डिफरेंट है. ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, इट इज़ अ डिफरेंट आर्किटेक्चर. BMW 5 सीरीज का और 3 सीरीज का डिफरेंट आर्किटेक्चर है. सो जहाँ BMW हमेशा जानी जाती थी रियर व्हील ड्राइव के लिए, ये पहली बार X1 उन्होंने एक क्रिएट करी यार कि इसको मोर वर्सटाइल बनाया जाए, और इसको उन्होंने फ्रंट व्हील ड्राइव कर दिया. पहली बात, इसका स्टेयरिंग काफ़ी मोटर असिस्टेड है तो इसके वेट बीच में चेंज होते रहते हैं अपने आप. तो नंबर वन करेक्टरिस्टिक ऑफ BMW X1 इज कि आपका स्टेयरिंग बीच में थोड़ा हैवी हो जाता है, और उसका कारण ये बिकॉज ये हाई स्पीड पे आपको हैवी रखना चाहते हैं. ऑडीज और मर्सिडीज के कंपैरेटिवली BMW का स्टेयरिंग हमेशा हैवी रहेगा, नंबर वन. नंबर टू अनदर थिंग कि ये सस्पेंशन स्टिफ है. सारी BMW की सस्पेंशन हमेशा से स्टिफ रही है, ओवर द टाइम उन्होंने हल्की करनी शुरू करी है. जब हम कहते हैं यार कि हमें ड्राइवर सेंट्रिक कार चाहिए या BMW आर मेंट फॉर प्योर थ्रिल ऑफ ड्राइविंग या प्योर थ्रिल ऑफ या जॉय ऑफ ड्राइविंग या वॉट एवर, तो उनको एक लैंग्वेज समझ आती है कि गाड़ी को टाइट कर दो, गाड़ी स्टिफ कर दो, उससे ड्राइविंग का मजा आएगा. बिकॉज बाहर वाली कंट्रीज में खड्डे हैं ही नहीं या वो खड्डों के हिसाब से उन्होंने कार बनाई नहीं. तो ये भी X1 का एक चैलेंज है कि खड्डों के हिसाब से नहीं बनी, ये बनी है ज़्यादा हाई स्पीड, थोड़ी रेस बैठ के हाई स्पीड गाड़ी चलाने को. बट उसका प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ी स्टिफ है, खड्डों में थोड़ी ज़्यादा बचती है, तो आपको थोड़ा स्लो करके चलानी पड़ती है खड्डों पे, नंबर वन ये. नंबर टू ये, अगर आप टायर्स बेटर कर लोगे तो राइड क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाएगी. तो दिस इज द सेकंड थिंग. तीसरी चीज़ कि पावर डिलीवरी होती कैसे है. अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मैं छोटा था और मैं लग्जरी कार चलाता नहीं था, बट इंटरनेट पर पढ़ पढ़ के मुझे लगता था कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, तो मैं ऐसी जज करता था यार कि अच्छा कि ऑडी का 2 लीटर इंजन भी इतनी पावर दे रहा है, BMW का 2 लीटर इंजन भी इतनी पावर दे रहा है, मर्सिडीज का 2 लीटर इंजन भी इतनी पावर दे रहा है, तो यार तीनों तो यार ये बराबर एक लेवल के, तो एक ही बात है. बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि बिल्कुल भी एक ही बात नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. सो BMW के इंजन हायर रेव करने के लिए बने हैं. एक सेकंड, जैसे अभी आपने देखा मैंने थ्रॉटल को प्रेस करा था बट गाड़ी उतनी जल्दी उठ नहीं पाई बिकॉज उसको टाइम लगा. सो ये एक
प्रॉब्लम है BMW के इंजन में कि जब आप नॉर्मल चला रहे हो तो दे आर वेरी इजी, तो आप बड़े प्यार से इसको इधर उधर आराम से ले जाओगे, तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं देते। बट जब आपको पावर चाहिए तो आइधर आप इसको स्पोर्ट मोड पे करो, तब आप शहर में भी रैश चला सकते हो, या आपको लिटरली ज़्यादा थ्रॉटल देना पड़ता है। मैंने ज़्यादा प्रेस करा तो टाइम लगा, अब उठी पूरी, एंड इट लव्स टू रेव। आपको आवाज़ भी आई होगी थोड़ी, इट लव्स टू रेव। BMW के इंजन को रेव करके बड़ा मज़ा आता है, बट द प्रॉब्लम इज कि इंडियन इंजन को रेव नहीं करना चाहते, बिकॉज हमारी मेंटालिटी में घुसा हुआ है कि यार कि ज़्यादा रेव करोगे तो ज़्यादा तेल पिएगी गाड़ी, तो हम प्रेफर करते हैं लाइट फुट ड्राइविंग। 90% इंडियंस प्रेफर करते हैं लाइट फुट ड्राइविंग। तो BMW में अगर आपको पावर चाहिए तो सिटी ड्राइविंग में BMW चलाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, एज लॉन्ग एज अगर आप स्पोर्ट मोड नहीं दबा रहे हो, बिकॉज विदाउट स्पोर्ट मोड ये गाड़ी प्यार से चलने के लिए बनी है। तो ये सबको अजीब सा लगेगा, बट अगर आपको BMW में मज़े लेने हैं तो आपको ज़्यादा थ्रॉटल देना पड़ता है। तो मैं थोड़ा ट्रैफिक एरिया में आ गया हूँ। द गुड थिंग इज SUVs आर ऑलवेज ईजी टू मैन्यूवर बिकॉज यू आर सिटिंग एट अ लिटिल हायर साइड। एंड देन अनदर थिंग, BMW के इंजन थोड़े नॉइजी हैं, मर्क के भी नॉइजी हैं, ऑडी के नहीं नॉइजी। तो ये जैसे जैसे आप रेव करते तो डीजल ग्रंट भी आता है। मेरे हिसाब से अच्छा डीजल इंजन वो होता है जो पता ही ना लगे कि डीजल है। तो ये इसके, सो दैट इज़ वन थिंग जो BMW के इंजन मुझे नहीं पसंद एज़ कम्पेरेटिव टू अदर्स। वैसे अच्छे हैं बट एज़ कम्पेरेटिव टू अदर्स उतने नहीं अच्छे लगते। सो स्पेशली फॉर 5 सीरीज़ वगैरह, अगर आपको 2 लीटर इंजन, अगर आपको एक पावरफुल कार चाहिए या भगाने के लिए गाड़ी चाहिए, सो ऑलवेज प्रेफर देयर 3 लीटर इंजन। 3 सीरीज इज स्टिल ओके बिकॉज वो लाइटर है, तो उसका 2 लीटर इंजन में भी आपको इनफ ग्रंट इनफ पावर फील होती है। बट अगर आप थोड़ी भारी BMWs में जाओगे, दिस इज ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑन अ हैवियर साइड, तो इन गाड़ियों का मज़ा आपको ज़्यादा रेव करके ही आएगा। आप ये नहीं सोच सकते यार कि मैं डेली ड्राइविंग में भी आई हैव द पावर ऑन टैप, कि मैंने थोड़ा सा भी रेस दिया तो मुझे ईजिली बहुत आराम से पावर मिल गई, वो वाली फीलिंग इसमें नहीं है। सो दिस इज नॉट अ नेगेटिव पॉइंट, दिस इज जस्ट अ ड्राइविंग स्टाइल। अब मुझे अच्छा लगता है कि मेरी गाड़ी में मिड रेंज टॉर्क ज़्यादा हो। आपको याद होगा, इज अ वेरी बैड रेफरेंस अगेन, बट वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम स्मॉलर कार्स एंड हम्बल कार्स, और हमारी पहली लग्जरी कार है। तो इको स्पोर्ट और ब्रेजा में भी मुझे इको स्पोर्ट ज़्यादा इसलिए पसंद थी बिकॉज उसकी मिड रेंज टॉर्क अच्छी थी, तो जब आप रेस देते थे तो वो जल्दी उठती थी कार। बट ब्रेजा में पावर लेटर इन द रेव बैंड थी, तो इस करके आपको ज़्यादा रेस देनी पड़ती थी, और जब तक टर्बो किक इन नहीं करता था आपकी गाड़ी उठती नहीं थी। तो सिमिलरली अगर आप पहाड़ों पर चला रहे हो या ऐसे एरियाज में चला रहे हो जहाँ पर आपको ज़्यादा रेव नहीं करना बट थोड़ी थोड़ी देर के लिए पावर चाहिए, वहाँ पर ये वाले इंजन जो ज़्यादा रेव करने पर पावर देते हैं आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फील करा सकते हैं। प्रॉब्लमेटिक तो नहीं फील होगा बिकॉज जो बंदा BMW में डायरेक्टली आ रहा है आपको पता नहीं लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बट एज लॉन्ग एज यू आर कंपेयरिंग बिटवीन कार्स, दिस इज वन थिंग दैट आई रियली लव अबाउट ऑडीज। मर्सिडीज़ का क्या है कि वो रिफाइंड उतने नहीं है, बट देन उनकी भी पिकअप अच्छी है, उनकी भी लोअर एंड टॉर्क पिकअप अच्छी है, तो वो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। सो वी आर दिल्ली में, और क्या एक्सपेक्टेड था, मैं शहर में फंस गया, तो आपको रेव करके जितना दिखा सका आई थिंक, मुझे नहीं लगता उसका आगे दिखा पाऊंगा। बट सम गुड थिंग्स, BMW के AC कंट्रोल मुझे क्यों पसंद है, नंबर 1, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें, जैसे नॉर्मली क्या होता है अगर आप ऑटो प्रेस कर रहे हो और फैन स्पीड को वेरी करना चाह रहे हो तो ऑटो मोड हट जाता होता है। सो बहुत बार लोग फैन को थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इसमें गुड थिंग क्या है कि अगर आप ऑटो कर रहे हो तो आपके पास एक फ़ैन की रेंज है, तो आप 4-5 फैन ऊपर लेवल ऊपर नीचे कर सकते हो। ऑटो बंद करके आप फैन को हाईएस्ट कर लो वो अलग बात है, बट दिस इज़ व्हाट आई रियली लव अबाउट इट। एंड देन मेरे को आदत है क्योंकि मैं ज़्यादातर खुद ड्राइव करता हूँ, तो मैं एक ही कंट्रोल से दोनों कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो एक बार सिंक बटन दबाया तो आप इजीली सारा टेम्परेचर खुद कंट्रोल कर सकते हो बिकॉज ये ड्यूअल जोन इसमें स्टैंडर्ड आता है। एंड देन देयर इज अ मैक्स AC बटन जो अंदर बैठती है, आपने मैक्स AC, दैट्स M340i विच इज लाइक अ पावर हूलिगन। एंड तो मैक्स AC दबाया तो फुल लोएस्ट वो और सारा कुछ अपने आप हो जाता है। बट देन आई ऑलवेज प्रेफर कि हम 23-24 पर रखें बिकॉज दैट्स द बेस्ट एफिशिएंसी। कमिंग बैक टू द इंजन यार, अब जैसे हम शहर के अंदर ग्लाइड कर रहे हैं तो इट्स ऑल ओके, बट अचानक अगर मेरे को इस सियाज को पिकअप करनी है तो मेरे लिए चैलेंज है। ऑडी में मेरे लिए थोड़ा ईजी होता, तो जो मुझे थोड़ा सा एरिया मिलेगा और मुझे अचानक पिकअप लेनी है उसको ओवरटेक करने के लिए, सक्सेसफुल ओवरटेक करने के लिए, सो आइदर आई हैव टू पुट इट ऑन स्पोर्ट मोड बिकॉज स्पोर्ट मोड करके एक्चुअली यार उनकी BMW की सोच ठीक है कि अगर आपको भगानी है तो मोड चेंज कर लो ना यार। मेरे को है यार कि मैं बिना मोड के नॉर्मल में ही सारे मजे ले लूँ, तो अगर आपको स्पोर्ट मोड में करनी पड़ेगी तो ये गाड़ी रेडी टू जंप होगी, नहीं तो मैं अगर थ्रॉटल दबाऊंगा नॉन स्पोर्ट मोड तो उसको टाइम लगेगा वो पिकअप एरिया कवर करने में। बट इफ आई प्रेस किक डाउन देन दैट इज अनदर प्रॉब्लम, किक डाउन में ज़्यादा ही भाग जाएगी, उतनी अभी यहाँ पे पावर की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट मोड करके देखो उठ रही है और अचानक ओवरटेक ले लिया। मैं नॉन स्पोर्ट करके वैगनर को करूंगा अगर तो थोड़ा आपको फील नहीं हो रहा होगा, बट मेरे को थ्रॉटल ज़्यादा दबाना पड़ा बिकॉज आई कैन नॉट रिस्क इट। बट थिंग इज आई थिंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ऑनेस्टली इंजन मुझे ऑडी के ही बेस्ट लगते हैं, बट BMW इज अ BMW एंड इट्स नॉट दैट बैड। सो ये है कि आप इवेंचुअली इसको प्यार से चलाने के लिए, तो 2-3 X1 हमने रस्ते में देख लिया, सारी मिडिल वेरियंट ज़्यादा थी,
तो यह कि X1 आपको प्यार से चलाने में मजा आएगा। सो मैंने BMW के 2 लीटर इंजन की एक नॉर्मल सी बात ले समझ ली है कि शहर में आप इसको आराम से ही चला सकते हो, रैश चलाने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज जब आप स्पोर्ट मोड करते भी हो तो इंजन शोर करने लग जाता है एंड यू समहाउ फील दैट द कार इज लिटिल अनकंफर्टेबल। बट ऑन द हाईवेज देन यू हैव द फन ऑफ लिटरली रेविंग इट रियली हार्ड। पहाड़ों पे आप रेव करो, हर जगह रेव करो, तब माइलेज की टेंशन मत लो, तो मजे लो आराम से। तो दिस कार इज करंटली ड्रिवन 35,250 किलोमीटर, 35,000 ही चली है। सो ये स्टेयरिंग देखो साइज भी थोड़ा छोटा है बिकॉज BMW वॉन्ट्स यू टू रेस, नो डाउट दिस इज अ प्रैक्टिकल कार फॉर इट सेल्फ। अगर मुझे ज़्यादा थ्रॉटल देनी पड़ी तब जाके पिकअप हुई और कार उठी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट अदर देन दैट दिस अ वेरी इजी टू ओन कार, वेरी मैन्यूवरेबल, वेरी प्रैक्टिकल। इस ये वो वाली कार है जिसमें आपको कोई कमी नहीं मिल सकती, तभी X1 बहुत लोग लाइक करते हैं। 15 से 20 लाख में आपने अगर सेल्टोस क्रेटा को लेनी है तो X1 ले लो यार, ढूंढनी वो थोड़ी मुश्किल है डेफिनेटली, बट यू कैन हायर मी फॉर दैट। बट पॉइंट इज कि यू हैव ऑल द कप होल्डर्स, यू हैव द प्लेसेस जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, हर जगह सब कुछ करने को, पैनोरामिक सनरूफ है, सो आपको कोई भी कमी फील नहीं होती एंड देन यू गेट द फील ऑफ अ न्यूअर BMW। सो दिस इज द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दिस कार एंड दैट इज वाई अगर कोई कहता है, जैसे मेरे को दीप्ति ने बोला कह रही मुझे X1 पसंद आई, मैं कहा परफेक्ट। मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं करी उनको इधर उधर डेविएट करने की। नॉर्मली अगर आपका कोई भी दिल है, मेरा मन होता है यार कि मैं आपके दिल वाली कार कोई ढूंढूं, मैं आपको डिवेट करने की ट्राई नहीं करता हूँ, बिकॉज इवेंचुअली वट वी आर डूइंग हेयर आर मैटर्स ऑफ द हार्ट, राइट। ये दिल की बातें हैं सारी, दिमाग की बातें अलग है। अगर आप अपने घर वालों को भी बोलोगे यार कि मेरा सेकंड हैंड लग्जरी कार लेने का मतलब मन है, तो वो शुरू भी मन या दिल से ही होगा, बाद में उसका लॉजिक और फाइनेंशियली आपको मैं सेट कर सकता हूँ कि कैसे वो बहुत अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन भी रहता है किसी भी नॉर्मल कार से, बिकॉज आउट ऑफ ऑल द कार दैट आई ओन्ड आई हैव ऑलवेज सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट आफ्टर यूजिंग देम फॉर 20-30,000 किलोमीटर्स। और दिल्ली से गाड़ी जितनी दूर जाती है उतनी महंगी हो जाती है। सो द स्मार्ट ओनरशिप वेज, आप यहाँ से कार लो मेरे थ्रू, मैं आपको कार वहाँ भेजता हूँ और आप 6 महीने साल चलाओ तब तक आपकी गाड़ी डिप्रिशिएट ही नहीं होगी एंड द कंडीशन ऑफ द कार दैट आई सेंड यू इन और आप वैसे ही मेंटेन करते हो। अराउंड अ लॉट ऑफ माई कस्टमर्स दे हैव सोल्ड देयर कार थ्रू द रिलेटिव्स एट अ प्रॉफिट और एट द सेम प्राइस, बिकॉज उनके आसपास वाले उनके मगर पड़ जाते हैं यार कि ये गाड़ी कैसे मिल गई यार और हमें यार ये दिला दो या ये दे दो। सो ये बहुत होता है। सो एक्चुअली इवेंचुअली आपको बाद में रिलाइज होगा कि ये फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा डिसीजन था। सो लॉट ऑफ पीपल हैव बीन फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब। मैंने जब लास्ट सियाज ली थी, आई बॉट अ मारुति सुजुकी सियाज, जबकि मैं अगेंस्ट था मारुति के, ओनली बिकॉज आई रियलाइज कि मुझे हर 1.5-2 साल बाद कार चेंज करनी होती है। आई मेड अ फैमिली, आई हैड अ बेबी एंड आई हैड स्टार्टेड थिंकिंग प्रैक्टिकली। तो चाहे मुझे XUV 300 पसंद थी, मैंने सियाज इसलिए ली थी ताकि सबसे कम पैसे टूटे, बट इवेंचुअली उसमें भी 60,000 चला के 2 साल के अंदर मेरा 2.5 लाख रुपये टूट गया एंड आई लाइक लॉल यार कि फिर भी नुकसान हो गया, जबकि आई बॉट द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार एंड आई बॉट अ मारुति फॉर द सेम थिंग इवन दो इट वॉज अ 4-star। बट इवेंचुअली व्हेन आई बॉट माई फर्स्ट ऑडी A6, सो आई बॉट इट एट 6.75 लैक्स, आई यूज इट फॉर 40,000 किलोमीटर्स एंड देन आई सोल्ड इट फॉर 6.6 लैक्स। सो दैट वॉज द रियल डील। और मैं 6.75 की भी बेच सकता था, बट मैंने ज़्यादा बोझ ही नहीं पाड़ा, बोझ ही नहीं डाला। बट थिंग वॉज देन आई रियलाइज कि मैंने ऑडी के मजे लिए, दैट कार चेंज द होल लाइफ फॉर मी। तभी मैंने दोबारा खरीदी वापस एंड देन आई वेंट टू ले ऑन इट। बट द पॉइंट इज कि दैट वॉज माई लर्निंग कर्व। सो आपके लिए पहली जंप लेना लग्जरी कार में डेफिनेटली इट्स टफ, वो लीप मारना डेफिनेटली इट्स वो लीप ऑफ फेथ ही है, बट जब तक आप मारोगे नहीं हाउ विल यू आर चेंज योर लाइफ स्टाइल, बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट अपग्रेडिंग योर कार, वी आर एक्चुअली अपग्रेडिंग द वे ऑफ लिविंग। तो आपका एक ये लर्निंग कर्व है जो पहली कार है जो मैं आपको दिलाऊंगा, और मुझे पता है कि एक बार आप मेरे साथ वो उस जर्नी पे चले गए अगली गाड़ी तक आप खुद प्रो बन जाओगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि इतने अमीर लोग सेकेंड हैंड जी वैगन, सेकेंड हैंड लंबोर्गिनीज, सेकेंड हैंड लैंड रोवर्स क्यों ले रहे हैं। अगर कोई बंदा 3-4 करोड़ की सेकेंड हैंड रॉल्स रॉयस ले रहा है, क्या वो नई नहीं ले सकता था। बट थिंग इज इट्स अबाउट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ मनी इज इन नोइंग हाउ टू बाय राइट, हाउ टू स्मार्टली बाय अ यूज्ड कार एंड हाउ टू स्मार्टली सेल इट। तो इफ यू नो दैट स्किल देन द फाइनेंशियल एक्सपेंस इज लाइक वेरी लीस्ट, पीपल हैव अप्रिशिएटेड देयर कार्स एंड देन सोल्ड इट। तो अंडरस्टैंड दिस कि इट्स नॉट अबाउट कि यार कि चलो हम एक वाइट एलिफेंट ले आते हैं यार, एक हाथी ले आते हैं और यार गाड़ी खराब होगी कोई बात नहीं यार, बट दिल की वो है। इट्स नॉट एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कि यार कि अच्छा मैंने दिल से अगर लग्जरी कार ले ली तो मुझे नुकसान ज़्यादा होगा, नो इट्स द अदर वे अराउंड। इट्स अ विन विन सिचुएशन ओनली बाय द यूज ऑफ राइट इंटेलिजेंस, बाय द यूज ऑफ राइट टूल्स एंड वेयर आई विल गाइड यू कि आप बहुत अच्छा वो एक स्मार्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस रह जाता है कि आपका क्या एंट्री पॉइंट है जब आप कार ले रहे हो और क्या एग्जिट पॉइंट है, जस्ट लाइक ए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। और आई थिंक एज अ थर्ड कार बायर, मैक्सिमम लोग जो मेरे पास आ रहे हैं उनकी लाइफ की वो तीसरी गाड़ी है, चाहे उनकी फैमिली की पहली कार थी, सेकंड उन्होंने खुद ली, तो जब हम थर्ड कार लेने जाते हैं हम थोड़े वाइज हो गए हैं। अब हमें होता है यार कि हम ऐसी गाड़ी लें जिसमें पैसे कम टूटें एंड हाउ कैन वी गेट मैक्सिमम बैंग फॉर आर बक।
एंड देन यू रियलाइज कि दीज आर द कार्स जिसमें आप सबसे ज़्यादा मज़ा, सबसे ज़्यादा प्रेस्टीज, लोगों की आंखें भी फट जाती हैं बिकॉज वो आपको नज़र लगाते हैं। मेरी पहली जो कार थी पल्लवी ने जो खरीदी थी, तो उसने पूछा यार कि कोई तो प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा एक ही प्रॉब्लम है, मैंने कहा नज़रें लगेंगी नंबर वन, नंबर टू लोग आपको अजीब तरह से देखने लग जाएंगे, कहती और कहते गाड़ी में इशू, मैं कहा वो नहीं आएगा, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई विल गाइड यू इन मोर डिटेल्स एंड विल गेट ऑन कॉल, बट दिस वॉज BMW X1 फॉर यू एंड आई होप यू लाइक इट एंड आई होप यू नो दैट वाई दिस इज अ गुड कार टू बाई एंड देन यू कैन सी द एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर्स एट वेल कि उनको ये गाड़ी लेके कैसा लगा। एंड टिल देन यू कैन कॉल मी, हायर मी टू बाय योर नेक्स्ट लग्जरी कार एंड लेट्स गेट यू इनटू फास्ट कार्स फास्ट। बाय।